नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo N63 4G versus Tecno Spark Go 2024 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Narzo N63 में 6.59 इंच जबकि Tecno Spark Go 2024 में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Narzo N63 से कम है। विड्थ की बात करें तो Narzo N63 में 3.02 इंच जबकि Tecno Spark Go 2024 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Narzo N63 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Narzo N63 में 0.3 इंच जबकि Tecno Spark Go 2024 में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Narzo N63 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Narzo N63 में 189 ग्राम जबकि Tecno Spark Go 2024 में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Narzo N63 में 6.74 इंचेस जबकि Tecno Spark Go 2024 में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Narzo N63 में 720x1600px HD+ और Tecno Spark Go 2024 में 720x1612px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Narzo N63 में 85.53% जबकि Tecno Spark Go 2024 में 83.96% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Narzo N63 में 260 पिक्सल प्रति इंच जबकि Tecno Spark Go 2024 में 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Narzo N63 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में ऑक्सिलरी लेंस देखने को मिलता है। और Tecno Spark Go 2024 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Narzo N63 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Tecno Spark Go 2024 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Narzo N63 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Tecno Spark Go 2024 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Narzo N63 में Unisoc T612 और Tecno Spark Go 2024 में Unisoc T606 मिलता है। बात करें RAM की तो Narzo N63 में 4 GB जबकि Tecno Spark Go 2024 में 3 GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Narzo N63 में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB 128 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Tecno Spark Go 2024 में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Narzo N63 में अप टू 2 TB जबकि Tecno Spark Go 2024 में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Narzo N63 में Android V14 जबकि Tecno Spark Go 2024 में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो नाजो N63 में दो कलर्स जबकि टेक्नो स्पार्क गो 2024 में चार कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो नाजो N63 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 7,999 रुपीज, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीज में मिलता है। और बात करें टेक्नो स्पार्क गो 2024 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 3 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 6,699 रुपीज में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme Nazo N63 4G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें टेक्नो स्पार्क गो 2024 की तो उसमें 6 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में नाजो N63 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटोरोला एच 50 फ्यूजन 5G है, दूसरा Realme Nazo N65 5G है, तीसरा Realme C63 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A3 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।